Let's do question number third of exercise 14.1, that is factorization. Question number third is factorize. हमें factorize करना है. First part लिख लेते हैं अपना. First part है हमारा x square plus xy plus 8x plus 8y. अभी तक हमने पढ़ा था कि factorization में हम सब में से common निकाल लेते थे, right? लेकिन इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे, दो दो के पेयर्स बनाएंगे कि जिसमें से सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन निकल रही हो, राइट? अगर आप देखेंगे हम इन दोनों के पेयर्स बना सकते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है क्योंकि एक्स की पावर टू है और यहाँ एक्स वाई है, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं. और इसी तरीके से हम इन दोनों में से एट कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? एक तो ये पेयर बन सकते हैं. अगर आप चाहें तो ये एक्स स्क्वायर और एट एक्स भी एक पेयर बन सकता है और एक्स वाई और एट वाई भी की पेयर बन सकता है. और कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं बताऊंगी आपको. देखिए पहला तरीका, मैंने इसे पेयर बनाया और इसे पेयर बनाया. पेयर का मतलब है ब्रैकेट्स में रख लिया. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को ब्रैकेट में रख लिया प्लस एट एक्स प्लस एट वाई को ब्रैकेट में रख लिया. अब इसमें से हमें पता है एक्स कॉमन निकल रहा है तो एक्स कॉमन निकाल दिया. तो क्या बच जाएगा, अगर इन दोनों में से मैंने एक्स बाहर निकाल दिया, इसकी एक्स की पावर दो थी तो एक एक्स निकल सकता था, यहाँ पे एक्स वाई था तो भी एक एक्स निकल सकता था, राइट? तो दोनों में से एक ही एक्स कॉमन निकल सकता था, इसलिए एक एक्स कॉमन निकाल दिया. अब इसकी एक्स की पावर टू है और एक एक्स बाहर कॉमन निकल गया तो क्या कितना बचा, एक्स बचा. इसी तरीके से अब एक्स वाई में से एक एक्स कॉमन निकल गया तो कितना बचा, वाई बचा, तो प्लस y. अब इसी तरीके से यहां पे देखिए 8 निकल सकता है दोनों में से कॉमन, तो हमने 8 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, x प्लस y. ये ध्यान रखिएगा हम जो कॉमन निकालेंगे वो ब्रैकेट से जस्ट पहले लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, राइट? अब इसको चेक करने का तरीका होता है कि आपका आंसर सही चल रहा है कि नहीं. आपका जो इस वाले ब्रैकेट, जो ये कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट बना है वही ब्रैकेट सेम इधर भी बनेगा, राइट? तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम x प्लस वाई दोनों तरफ है, मतलब इसके साथ भी x प्लस वाई, इसके साथ भी x प्लस वाई, तो मैं x प्लस वाई को कॉमन निकाल दूंगी, राइट? तो क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से ये वाला ब्रैकेट कॉमन निकाला तो क्या बच गया, x बच गया, तो x लिख दिया. अब इसी तरीके से इन दोनों में से ये वाला कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, 8 बच गया, प्लस का 8. तो दिस इज आवर आंसर. एक तो आंसर हमारा ये हो गया और इसको करने का एक और तरीका है, और कोई सा भी एक पैटर्न करे आंसर दोनों के सेम ही आएंगे. फिर से क्वेश्चन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y. अब की बार में देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी था, अब अभी तक मैंने ये दो लिए थे पेयर्स, अब की बार मैं ये और ये ले रही हूँ क्योंकि इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है पेयर्स की फॉर्म में. तो मैंने एक्स स्क्वायर, और क्योंकि इसका साइन प्लस का था तो इसलिए प्लस का 8x लिख लिया. इसी तरीके से प्लस बीच में, अब इन दोनों का साइन भी प्लस था तो प्लस लिख दिया बीच में, और एक्स वाई प्लस 8y लिख दिया, राइट? पेयर्स बना दिए. अब हमें पता है इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा क्योंकि यहां पे x दो है यहां एक है, तो एक ही x कॉमन निकला, तो एक x कॉमन निकाला तो कितना बच गया, इन दोनों में दो x में से एक निकल गया तो एक बचा x, तो एक x लिख दिया. और 8 और x में से x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 8 बच गया प्लस. इसी तरीके से अगर आप इन दोनों में देखेंगे तो y कॉमन निकल रहा है, राइट? तो y बाहर निकाल दिया. अब y बाहर निकल गया इन दोनों में से तो क्या बच गया, x, और प्लस इसी तरीके से अगर इन दोनों में से y कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 8. तो अगर आप देखेंगे यहां पे भी x प्लस 8 है, यहां पे भी x प्लस 8 है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट चल रहा है. और अब हम इन दोनों को कॉमन निकाल, मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू जो दोनों में है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं. तो हमने कॉमन निकाल ली x प्लस 8,
एक्स प्लस एट कॉमन निकलते ही क्या बच गया दूसरे ब्रैकेट में, देखिए इन दोनों में से एक्स प्लस एट कॉमन निकल गया तो एक्स बच गया, तो हमने एक्स लिख दिया। और देखिए यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से ये वाला कॉमन निकल गया तो वाई बच गया, लेकिन प्लस का तो प्लस वाई लिख दिया। तो अगर आप देखेंगे एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस एट एक ब्रैकेट में, यही है। देखिए आप कहेंगे पहले तो एक्स प्लस वाई आ रहा है और हमारा यहाँ बाद में आ रहा है, देखिए टू इंटू थ्री कहें या थ्री इंटू टू कहें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आएगा क्या, सिक्स। तो इसी तरीके से अगर एक्स प्लस वाई पहले आ रहा है और एक्स प्लस एट बाद में आ रहा है, या एक्स प्लस एट पहले आ रहा है और एक्स प्लस वाई बाद में आ रहा है, आंसर करेक्ट है। चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं अपना, सेकेंड पार्ट है हमारा 15xy-6x + 5y - 2। अब देखिए इसमें से कौन कौन से पेयर्स बनाते हैं। अब मुझे पता है यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, या यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो इसका मतलब ये दोनों भी ले सकते हैं और ये और 5y भी ले सकते हैं, कोई से भी दो ग्रुप्स बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 5xy और 5y को ग्रुप बनाया, क्यों उसका रीज़न बताऊंगी अभी मैं बाद में। तो देखिए मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, 15xy + 5y, और यहाँ पे देखिए क्या बच गया, माइनस का 6x - 2, तो बीच में मैं प्लस लगा रही हूँ, माइनस का 6x - 2, राइट। अब आप देखेंगे 15xy और 5y में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में भी 5 आता है और 15 भी आता है, तो 5 कॉमन निकाल लिया। और अगर आप देखेंगे दोनों में y कॉमन है तो y लिख दिया, तो क्या बच गया अंदर, देखिए 15 में से 5 निकल गया, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप 15xy देखें तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 3 15 इंटू एक्स इंटू वाई, और 5 कॉमन निकल गया और y कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 3x, तो हमने यहाँ लिख दिया 3x प्लस। अब देखिए 5y था, 5y का 5y ही कॉमन निकल गया, जब पूरा एज इट इज़ निकल जाता है कॉमन तो हमारा बच जाता है 1, राइट। अब 5y को हम लिख सकते थे 5 इंटू वाई, और 5 भी कॉमन निकल गया और y भी, तो हमारा क्या बच गया 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया 1। अब देखिए इन दोनों में से एक तो माइनस साइन दोनों के साथ है, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, और हमें पता है प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम माइनस, फिर से बता रही हूँ यहाँ प्लस ऑलरेडी था और अंदर दोनों डिजिट्स के साथ माइनस था, तो बाहर माइनस कॉमन निकालना था, और हमें पता है प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस की जगह अब हमने क्या लिख दिया है माइनस लिख दिया है। और देखिए ये दोनों वैल्यूज 2 के टेबल में आती है तो 2 कॉमन निकल गया, दैट्स इट। x सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं निकलेगा x, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अगर -6x में से -2 कॉमन निकल गया, देखिए -6x है तो क्या लिख सकते हैं माइनस लिख सकते हैं, एक तो -1 कहें या माइनस कहें, बात एक ही है, और क्या लिख सकते हैं 2 3 6 और x, तो देखिए -1 कॉमन निकल गया, माइनस का 1 कहें या माइनस कहें, बात एक ही है, और 2 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया 3x बच गया अंदर, तो हमने लिख दिया 3x। अब देखिए -2 है, अब नेक्स्ट वैल्यू -2 है, तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं -1 × 2, और बाहर क्या निकल गया -2 ही बच गया निकल गया, माइनस साइन भी निकल गया और 2 भी निकल गया, तो जब बाहर माइनस साइन है तो अंदर क्या बच जाएगा प्लस। याद रखिएगा जब भी आप बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन रखेंगे तो अंदर जो उसका माइनस साइन हुआ तो ऑपोजिट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉमन निकाल रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, राइट। और 2 की जगह 2 ही बाहर निकल गया तो +1 बच गया। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, तो हम जब दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो यही ब्रैकेट वाली वैल्यू हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 3x + 1 कॉमन निकला, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाली वैल्यू निकल गई कॉमन तो 5y बच गया, तो 5y, और इन दोनों में से
ये ब्रैकेट वाली वैल्यू निकल गई तो क्या बच गया, माइनस टू. तो दिस इज आर आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपना. थर्ड पार्ट इज ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई. देखिए आप चाहें तो इसको और इसको एक पेयर बना सकते हैं और इसको एक पेयर बना सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एक पेयर बना सकते हैं और इसको एक पेयर बना सकते हैं. क्यों हम इस इन दोनों को क्यों पेयर बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा और इन दोनों में से y और माइनस साइन कॉमन निकल जाएगा, राइट. लेकिन अगर हम इन दोनों को कॉमन बनाते हैं तो हमें पता है a कॉमन निकल रहा है दोनों में से, और इन दोनों को पेयर बनाते हैं तो इन दोनों में से हमारा b कॉमन निकल रहा है. तो आप दोनों में से कोई सा भी पैटर्न कर सकते हैं. तो मैंने पेयर्स बनाए ए एक्स प्लस बी एक्स का प्लस माइनस का ए वाई माइनस का बी वाई का. प्लस इसलिए लिखा है अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यही वैल्यू आएगी, राइट. क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस ए वाई, इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस का बी वाई, राइट. इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है. अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो a बच गया, इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो b बच गया, तो a प्लस बी हो गया. अब देखिए इन दोनों में से एक तो माइनस साइन कॉमन है और y कॉमन है, तो माइनस y. अभी मैंने लास्ट पार्ट में बताया था प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए डायरेक्टली माइनस लिख रही हूँ. अब y कॉमन निकल गया इन दोनों में से, तो इसमें a बच गया इसमें b बच गया, तो a और b. अब साइन कौन सा लगेगा बीच में, देखिए माइनस साइन था, माइनस साइन कॉमन निकल गया, तो इसका ऑपोजिट साइन क्या हो गया, प्लस. तो यहाँ पे प्लस लग गया क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉमन निकाल लिया था, तो इसका ऑपोजिट साइन यहाँ लग जाएगा, राइट. अब देखिए ए प्लस बी यहाँ पे भी है, ए प्लस बी यहाँ पे भी है, सही चल रहा है. तो इसका मतलब हमारा ए प्लस बी क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा. तो दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन निकल गया तो एक्स बच गया, और इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन निकल गया तो माइनस वाई बच गया. तो दिस इज आर आंसर. लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं अपना. 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p. अब देखिए हम इन दोनों को अगर कॉमन लेते हैं तो 15 कॉमन निकल जाएगा और पी क्यू प्लस 1 बच जाएगा. देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको. अगर मैंने इन दोनों को 15pq प्लस 15 को ग्रुप किया प्लस इसी तरीके से 9q प्लस 25p को ग्रुप किया तो क्या आएगा. तो देखिए अगर मैं 15 कॉमन निकालती हूँ तो मेरा बच गया pq प्लस 1. देखिए इन दोनों में से 15 निकल गया तो क्या बचा, पी क्यू, और यहाँ 15 में से 15 निकल गया तो 1 बच गया. इसी तरीके से अब ये देखें इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम इसका मतलब ये वाली ग्रुपिंग नहीं कर सकते. तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ. अब देखिए अब कौन सी ग्रुपिंग कर सकते हैं, अभी हमने ये दोनों लिए थे, राइट. अब हम इसमें पी क्यू है इसमें क्यू है, तो इन दोनों को ग्रुपिंग करके देखते हैं. तो हमने लिया 15pq प्लस 9q को प्लस 15 प्लस 25p, राइट. अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, राइट, और q कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 और q कॉमन निकाल लिया. तो अंदर क्या बचेगा, हमें पता है 3 5 जा 15 होता है तो 5 लिख दिया, और q बाहर निकाल लिया तो p बच गया, तो p एज इट इज लिख दिया प्लस. इसी तरीके से हमें पता है 3 3 जा 9 होता है और q बन निकला हुआ है, तो 3 3 जा 9 के लिए तो 3 लिख दिया और q ऑलरेडी निकला हुआ है, तो बस दैट्स इट, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब प्लस, अब इन दोनों में से अगर देखें तो 5 कॉमन है क्योंकि 5 के टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, तो ये क्या बच गया, 5 3 जा 15 है तो 3 लिख दिया प्लस 5 5 जा 25 और पी एज इट इज़, क्योंकि बाहर पी नहीं था कोई कॉमन, सिर्फ 5 था, 5 5 जा 25 यही आ गया.
अब यहाँ आप कहेंगे यहाँ 5p+3 है, यहाँ 3+5p है। देखिए अगर मैं 2+6 लिखती हूँ या 6+2 लिखती हूँ तो आंसर तो 8 ही आएगा ना दोनों का। तो मैं इसी तरीके से इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए 3q एज इट इज, 5p+3 लिखा प्लस 5b एज इट इज, तो इसको मैंने 5p+3 लिख सकती हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने बताया 2+6 लिखें या 6+2 लिखें आंसर सेम आएगा, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन की, राइट। तो अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो 5p+3 कॉमन निकल गया तो क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन निकला तो 3q बच गया, तो 3q, और इसी तरीके से यहाँ इन दोनों में से ये कॉमन निकल गया तो 5 बच गया, तो +5 इज द आंसर। हम अगर ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग में हम रॉन्ग ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन अगर रॉन्ग आ रहे हैं ये ब्रैकेट्स तो प्लीज़ उसको रीग्रुप करके देखें कि कौन सा ग्रुपिंग करना पड़ेगा। अब लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट अपना कॉपी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा z-7 + 7xy - xyz। आप देखिए अब हम इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं और इन दोनों को, क्योंकि एक्स वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो यही किया हमने, z-7 ले लिया प्लस 7xy - xyz ले लिया। देखिए यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बाहर हमने प्लस लिखा है, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो यही वैल्यू आनी चाहिए आपकी ब्रैकेट ओपन करके, इसलिए हमने ये किया है। अब देखिए इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 निकाल लेते हैं, 1 कॉमन निकला तो z-7 एज इट इज़ हो गया। अब इन दोनों में से अगर देखें तो एक्स वाई कॉमन निकल रहा है, तो प्लस का एक्स वाई कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, अब इसमें से एक्स वाई कॉमन निकला तो 7 बचा, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकला तो जेड बचा, तो 7-z, राइट। अब आप कहेंगे यहाँ तो z-7 था, यहाँ 7-z है, तो क्या करें, z तो प्लस का होना चाहिए था लेकिन यहाँ तो माइनस का है, तो क्या करेंगे। जब भी ये टाइप की कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम है, यहाँ पे वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो हम इस वाले उसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, राइट। फिर से बता रही हूँ, जब भी इस टाइप की वैल्यू आती है कि ये वैल्यू सेम है लेकिन साइन चेंज है, जो प्लस का जेड होना चाहिए था वो माइनस का है और जो माइनस का 7 होना चाहिए था वो प्लस का 7 है, तो हम क्या करते हैं, बाद वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो कैसे होगा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस, जो कि ये वाला साइन है, प्लस इंटू माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो अब एक्स वाई काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए 7 का प्लस था तो माइनस का 7 हो गया, और जेड माइनस का था तो प्लस का हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं। अब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो 7 का -7 हो गया और जेड का +z हो गया, राइट। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 एज इट इज़ रहा, z-7 एज इट इज़ रहा, -xy एज इट इज़ रहा। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए -7+z करूं या z-7 करूं, बात एक ही है, तो z-7 लिख दिया इसको, राइट। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो अब हम कॉमन ले लेंगे z-7, तो कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 1 एज इट इज और माइनस का xy, तो 1-xy, राइट। तो दिस इज आर आंसर।